हाय एवरीवन, मैं सुमन सिमरन, मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल क्रिस्पी फिश फ्राई की रेसिपी। तो आइए देखते हैं इसे किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ मेरे पास है मछली, इसे मैंने धोकर काटकर साफ कर लिया है और आप देख सकते हैं इसके पीस इस तरीके के हैं, थोड़े से मोटे होने चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ मेरे पास है एक बड़ा चम्मच प्याज का पेस्ट, एक टीस्पून मेरे पास है लाल मिर्च का पाउडर, एक बड़ा चम्मच मेरे पास है यहाँ पे लहसुन का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच मेरे पास है यहाँ पे हल्दी और चार बड़े चम्मच सरसों का तेल। तो आइए चलते हैं रेसिपी के तरफ। तो सबसे पहले एक बाउल ले लें, उसमें हम डाल देंगे स्पाइसेस को। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर को डाल दिया है, अब इसमें डाल दें लाल मिर्च पाउडर, अब इसमें डाल दें नमक और ये प्याज का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट, और हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच तेल। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए एक मैरिनेशन बनकर तैयार है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी धीरे धीरे फिश के पीसेस को, सारे पीसेस को डाल दें। यहाँ करीब मेरे पास 7 से 8 पीस हैं। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छे से इन्हें मैरिनेट कर लें इस मैरिनेशन के साथ, किनारों पर भी लगा दें। ये देखिए फिश अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। तो अब हम इसे रख देंगे करीब 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए, ताकि इसमें मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, फिश ने मैरिनेशन को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब चलते हैं इसे फ्राई करेंगे हम। तो फ्राइंग के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने पैन को गर्म कर लिया है हाई फ्लेम पे। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें, इसे चारों तरफ पैन पे फैला लें। फिश फ्राई को हमेशा नॉनस्टिक के बर्तन में ही बनाएं। देखिए ऑयल स्मोकी हॉट हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी फिश के पीसेस को। इस स्टेप को आप थोड़ा केयरफुली करें, कई बार ये छिटकता है। मैरिनेशन को अच्छे से इस पे डालते जाएं। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। करीब 1 मिनट हो चुके हैं इसे इस तरफ से पकते हुए, तो मैं इसे पलट लूंगी। अब हम इन्हें मीडियम फ्लेम पे दोनों ओर से लाइट ब्राउन होने तक पलटते हुए पका लेंगे। करीब 1 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसमें 1 चम्मच और तेल डाल दूंगी और इन्हें अब हम पकने देंगे। करीब 2 मिनट बाद हम इसे पलट लेंगे। अब मैं इन्हें पलट लूंगी। ये देखिए इनमें कलर आने लगा है, दूसरे साइड से भी इस तरीके के कलर आने तक हम इसे पकने देंगे। ये देखिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हुए करीब 3 मिनट हो चुके हैं और दोनों तरफ से बिल्कुल इक्वल कलर आ चुका है। तो अब मैं इन्हें निकाल लूंगी। तो यहाँ मैंने एक सर्विंग प्लेट ले ली है, अब मैं इसमें फिश फ्राई को सर्व कर दूंगी। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा बना है। तो बनकर तैयार है फिश फ्राई एक बिरयानी की रेसिपी। आप देख सकते हैं ये काफी अच्छा बनकर तैयार हुआ है और फुल स्टेप के साथ मैं आपको ये रेसिपी बताने वाली हूँ, तो आगे तक देखते रहिएगा। तो आइए देखते हैं इसे किस तरीके से बनाया जाता है। तो बिरयानी के लिए सबसे पहले हम चावल बना लेंगे। चावल बनाने के लिए यहाँ मैंने एक डेगची रख ली है। यहाँ पे मैंने 15 मिनट के लिए पानी को हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया है। यहाँ मेरे पास करीब 1.5 लीटर पानी है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1/2 छोटा चम्मच नमक। और अब मैं इसमें डाल दूंगी सोख किया हुआ बासमती चावल। यहाँ मैंने 2 कप बासमती चावल लिया है, उसे मैंने सोक करके रख दिया था 1/2 घंटे के लिए। तो अब मैं इसे डाल दूंगी इसमें, सारे चावल को मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब मैं इसे कवर कर लूंगी और चावल के कुक होने तक हम इसे पकने देंगे। चावल हमें 100% पका हुआ चाहिए, ऐसा ना हो कि चावल कच्चे हो। तो हम इसे हाई फ्लेम पे पकने देंगे। ढक्कन को थोड़ा सा हटा लें, इस तरीके से रख लें ताकि पानी बाहर ना आ सके। करीब 15 मिनट हो चुके हैं इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। तो अब मैं इसे चेक कर लूंगी। आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल खिल चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ ये गल भी चुके हैं अच्छी तरीके से। तो अब मैं इसे निकाल लूंगी पानी से। चावल को मैंने पानी से निकाल लिया है, तो अब हम ग्रेवी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कुकर ले लेंगे, उसमें यहाँ पे मैंने 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। 1/2 छोटा चम्मच मेरे पास यहाँ पे है खड़ा जीरा। अब इसमें डाल दें 1 टुकड़ा दालचीनी का। अब इसमें डाल दें 1 चक्री फूल, 1 तेजपत्ता और 7 से 8 दाने काली मिर्च के। अब इन्हें अच्छे से चला लेंगे हम। ये देखिए सारे मसाले अच्छे से तरक चुके हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 3 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज और इन्हें अब हम अच्छे से चला लेंगे। इन्हें लगातार चलाते हुए हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे। बीच बीच में इसे चलाते रहें। ये देखिए लगातार चलाते हुए करीब 6 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब मैं इतना हिस्सा निकाल लूंगी गार्निशिंग के लिए और बाकी इसमें छोड़ दें। अब इसमें डाल दें कटा हुआ टमाटर। 1 बड़ा टमाटर है मेरे पास जिसे मैंने कट कर लिया है। फ्लेम को हम लो कर देंगे। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटा चम्मच यहाँ मेरे पास है धनिया का पाउडर,
एक छोटा चम्मच मेरे पास है यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आप चाहें तो यहाँ पे जीरा का पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले भी इसमें जीरा डाल दिया था। तो अब हम टमाटर और प्याज के गलने तक इसे पकने देंगे लो फ्लेम पे, इसी तरीके से चलाते रहें। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी आधा छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, और अब हम इसे चलाते हुए पकाते रहेंगे जब तक ये गल नहीं जाता है दोनों चीज़। इस तरीके से इसे पकाएं ताकि टमाटर और प्याज थोड़ा सा मैश हो जाए। ये देखिए करीब 2 मिनट हो चुके हैं और टमाटर प्याज गल चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी हाफ कटोरी, यहाँ मेरे पास है फेटा हुआ दही। अब इन्हें भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छी सी ग्रेवी बन चुकी है। तो दही वाले कटोरी में मैं 1 चम्मच पानी डाल के इसे फिर से डाल दूंगी और फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। ये देखिए मसाले में तेल ऊपर तक आ रहा है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्च और अंडे। यहाँ पे मेरे पास हार्ड बॉइल्ड अंडे हैं 5 पीस, इन्हें भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ग्रेवी में। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा कलर आया है इसमें। ग्रेवी भी बन चुकी है तो अब हम बिरयानी को लेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले एक बर्तन ले लें, उसमें मैं डाल दूंगी चावल को। ये देखिए मैंने चावल की एक लेयर बना ली है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ग्रेवी। साइड पे भी थोड़ा सा ग्रेवी को डाल दें। ग्रेवी की भी मैंने लेयरिंग कर ली है, तो अब मैं एक बार फिर से इसमें डाल दूंगी चावल। ये देखिए चावल की दूसरी लेयर भी तैयार है, तो अब मैं इसमें फिर से डाल दूंगी ग्रेवी। अब पूरी ग्रेवी डाल दें इसमें। एक बार फिर से मैंने इसमें 1 की ग्रेवी डाल दी है, तो अब एक बार फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। इन्हें अच्छे से कवर कर लें। ये देखिए इसमें चावल की लेयर आ चुकी है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये अनियन, एक हरी मिर्च, आप चाहें तो यहाँ पे धनिया की पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा जर्दा का कलर। अब मैं इसे कवर करके करीब 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लूंगी। करीब 5 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसे चेक कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बन चुका है, तो अब मैं इसे निकाल लूंगी, सर्व कर लें इसे। तो बनकर तैयार है 1 बिरयानी। मैंने यहाँ पे इसे रायता और सलाद के साथ सर्व कर दिया है। तो 1 टोस्ट सैंडविच की रेसिपी, ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है, तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ मेरे पास है 4 स्लाइस व्हाइट ब्रेड, 1 गाजर को मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है, यहाँ मेरे पास है 1 बाउल पत्ता गोभी जिसे भी मैंने जूलियंस में कट कर लिया है, यहाँ मेरे पास है 1 बड़े साइज का अंडा, 1 बड़ा चम्मच मेरे पास है यहाँ पे टोमेटो केचप, स्वाद अनुसार मेरे पास है यहाँ पे नमक, यहाँ मेरे पास है 2 बड़े चम्मच बटर, और साथ ही साथ यहाँ मेरे पास है 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और हमें चाहिए 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। तो आइए चलते हैं रेसिपी के तरफ। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल ले लें, इसमें हम डाल देंगे पत्ता गोभी, थोड़ा सा बचा लेंगे हम गार्निशिंग के लिए, और साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूंगी गाजर, गाजर को भी हम थोड़ा सा बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। अब इसमें डाल दें नमक, काली मिर्च का पाउडर, और इन्हें मिक्स कर लें। आप चाहें तो यहाँ पे अनियन का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। ये चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी एग, और इसे एक बार फिर से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए एग का मिक्सचर बन चुका है, तो इसे हम साइड पे रख देंगे। और अब मैं यहाँ पे ब्रेड ले लूँगी और इसमें हम बटर को लगा लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए ब्रेड पे बटर लग चुका है, तो हम बाकियों को भी इसी तरीके से कर लेंगे। तो सारे ब्रेड पे बटर लग चुके हैं, अब हम एग को बना लेंगे। तो अंडे को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने पैन के फ्लेम को ऑन कर लिया है, फ्लेम हमारा मीडियम है। अब मैं इसमें डाल दूंगी रिफाइंड ऑयल और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे हम, पूरे पैन में फैला लें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें डाल दूंगी ये एग वाला मिक्सचर, अब हम इसे अच्छे से फैला लेंगे। सब्जियों को ऐसे फैला लें ताकि पूरा अंडा इवन बने। पैन को हम थोड़ा सा हिला लेंगे, फ्लेम को हम थोड़ा सा लो कर देंगे, धीरे धीरे इसे पकने दें। जब तक ऊपर से पूरा सूख ना जाए तब तक हम इसे पलटेंगे नहीं। किसी शार्प स्पैचुला का यूज़ करते हुए हम इसे बीच से कट कर लेंगे। मैंने इसे कट कर लिया है, तो अब हम इसे पलट लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है, तो दूसरी तरफ से भी हम इसी तरीके से कलर आने तक इसे पका लेंगे। ये देखिए एग ने पूरी तरीके से कलर को चेंज कर लिया है, तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। तो एक बार फिर से पैन के फ्लेम को ऑन कर लें और इसमें डाल दें ब्रेड को।
तो अब मैं इनके साइड्स को चेंज कर लूँगी। आप देख सकते हैं इसमें अच्छा सा कलर आने लगा है। दूसरी तरफ से भी हम इसी तरीके से इसे पका लेंगे। दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल कलर आ चुके हैं तो मैं इन्हें निकाल लूँगी और दूसरों को भी डाल दें। इन्हें भी सेम तरीके से हम बना लेंगे। दोनों चीज़ें बनकर तैयार है तो अब हम इसका सैंडविच बना लेंगे। तो सबसे पहले एक सर्विंग प्लेट ले लें, उसमें हम डाल देंगे ब्रेड के पीस को। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये एग। अब इसमें डाल दें थोड़ा सा पत्ता गोभी, थोड़ा सा गाजर। आप चाहें तो इस सैंडविच में चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये टोमेटो का केचप और अब इस पर डाल दें ये ब्रेड का पीस। दूसरे को भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। इस वाले ब्रेड को हम ऐसे रख देंगे ताकि दिखे कि इसमें है क्या। तो अब मैं आपको इसे कट करके दिखाऊंगी। तो बनकर तैयार है एक टोस्ट सैंडविच। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्राइड स्पाइसी चिकन की रेसिपी। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ मेरे पास है 1/2 kg चिकन जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है इस तरीके से। और साथ ही साथ यहाँ मेरे पास स्पाइसेस में है 1/2 छोटा चम्मच। यहाँ मेरे पास है अदरक लहसुन और जीरा का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक। 1 छोटा चम्मच मेरे पास है लाल मिर्च का पाउडर। 1/2 छोटा चम्मच मेरे पास है गरम मसाला का पाउडर। 1 छोटा चम्मच मेरे पास है बेसन। 2 बड़े चम्मच मेरे पास है यहाँ पे चावल का आटा। 1 छोटा चम्मच यहाँ मेरे पास है हरा धनिया चॉप किया हुआ। 1 छोटा चम्मच मेरे पास है यहाँ पे करी पत्ता चॉप किया हुआ। और साथ ही साथ यहाँ मेरे पास है 1 नींबू का स्लाइस और फ्राइंग के लिए रिफाइंड ऑयल। तो आइए चलते हैं रेसिपी के तरफ। सबसे पहले हम चिकन ले लेंगे, उस पर हम नींबू को स्क्वीज कर देंगे। अब इसमें डाल दें अदरक लहसुन और जीरा का पेस्ट। साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए चिकन अच्छे से कोट हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये हरा धनिया और अब मैं इसमें डाल दूंगी कड़ी पत्ता। इसे एक बार फिर से मिक्स कर लें। ये देखिए ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये बेसन और चावल का आटा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहें तो यहाँ पे 1 छोटा चम्मच पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच पानी और इसे एक बार फिर से मिक्स कर लें। ये देखिए मैंने चिकन को अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लिया है। ध्यान रहे कि यहाँ हम सिर्फ 1 छोटा चम्मच ही पानी का यूज़ करेंगे। अब हम इसे रख देंगे करीब 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। करीब 1 घंटे हो चुके हैं और हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ पे ऑयल को हाई फ्लेम पे रख दिया है गर्म होने के लिए। करीब हम 3 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पे गर्म करेंगे। उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम एक एक पीस को उठा के इस तरीके से डाल देंगे फ्राई होने के लिए। एक एक पीस को अलग कर लें। करीब 2 मिनट हो चुके हैं इसे इस तरफ से फ्राई होते हुए। तो अब हम पलट लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत अच्छा आया है। फ्लेम को अब मीडियम रखें तभी चिकन अच्छे से पक जाएगा अंदर तक। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है तो अब मैं ग्रेवी बना लेती हूँ। ग्रेवी के लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट दिखाऊंगी। तो ग्रेवी के लिए सबसे पहले यहाँ मेरे पास 2 प्याज है जिसे मैंने इस तरीके से चौकोर में काट लिया है। 1 बड़ा चम्मच मेरे पास है यहाँ पे टोमेटो सॉस। 1 छोटा चम्मच मेरे पास है यहाँ पे ग्रीन चिल्ली का सॉस। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। 1/2 छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार मेरे पास है नमक। 1/2 छोटा चम्मच मेरे पास है धनिया का पाउडर। यहाँ मैं लाल मिर्च का यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ मेरे पास सॉस भी है और हरी मिर्च भी एक चॉप है मेरे पास। और साथ ही साथ हमें चाहिए पानी और पकाने के लिए तेल। तेल यहाँ मेरे पास है 4 बड़े चम्मच और पानी 2 बड़े चम्मच। तो आइए चलते हैं अब हम ग्रेवी बना लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैंने कढ़ाई के फ्लेम को ऑन कर लिया है। मैंने कढ़ाई में तेल डाल के इसे गर्म कर लिया है। अब मैं कढ़ाई में डाल दूंगी सबसे पहले ये हरी मिर्च। इसे हम कुछ सेकेंड के लिए फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्च फ्राई हो चुकी है तो अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। करीब 2 मिनट के लिए हम इसे भी सॉटे कर लेंगे। ये देखिए करीब 2 मिनट हो चुके हैं, प्याज हल्का हल्का सॉफ्ट होने लगा है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक, धनिया का पाउडर और हल्दी पाउडर। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इससे कवर कर देंगे। जब तक प्याज अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। ये देखिए करीब 10 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसे चेक कर लूँगी। आप देख सकते हैं प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी टोमेटो सॉस और ग्रीन चिल्ली सॉस। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये देखिए सॉस और सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी और हाई फ्लेम पे हम इसे बॉईल कर लेंगे। ये देखिए इसमें हाई फ्लेम पे बॉईल आ चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये फ्राई किया हुआ चिकन और इसे अच्छे से मिक्स कर लें।
करीब 2 मिनट के लिए हम इसे मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे कवर कर लेंगे करीब 5 मिनट के लिए। और फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो कर दिया है। करीब 5 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसे चेक कर लेती हूँ। वाह, इसमें से बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, तो अब मैं गैस ऑफ करके इसे सर्व कर लूँगी। तो बनकर तैयार है फ्राइड स्पाइसी चिकन की रेसिपी, एग फ्राइड राइस की रेसिपी। मैं इसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाकर तैयार करूंगी, तो आइए देखते हैं इसे किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ मेरे पास है 2 अंडे, 1 छोटा चम्मच मेरे पास है यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच मेरे पास है सोया सॉस, स्वाद अनुसार नमक, यहाँ मेरे पास है आधा गाजर जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, यहाँ मेरे पास है 1 छोटा चम्मच हरा प्याज यानी की स्प्रिंग अनियन, 1 इंच अदरक को मैंने चॉप कर लिया है, 1 मीडियम साइज की प्याज को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है और 1 हरी मिर्च को भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और साथ ही साथ यहाँ हमारे पास है 1 कप पका हुआ बासमती चावल। तो आइए चलते हैं रेसिपी के तरफ। तो सबसे पहले यहाँ मैंने कढ़ाई को हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी एग्स को, तो अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए एग्स अच्छी तरीके से स्क्रैम्बल हो चुके हैं, तो अब मैं इन्हें निकाल लूंगी। मैंने एग्स को निकाल लिया है। अब मैं इसमें फिर से डाल दूंगी ऑयल 1 बड़ा चम्मच। ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्च और अब इसमें डाल दें अदरक और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। इनका कच्चापन निकलने तक हम इसे फ्राई करेंगे। करीब 1 मिनट हो चुके हैं और इनका कच्चापन निकल चुका है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज और गाजर और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे हम। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक को थोड़ा बैलेंस कर ले अपने हिसाब से, क्योंकि हम इसमें भी सोया सॉस भी डालेंगे। ये देखिए ये चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। करीब 2 मिनट के लिए मैंने इन्हें पका लिया है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी सोया सॉस और इन्हें मिक्स कर लें। सोया सॉस डाल के भी मैंने इसे मिक्स कर लिया है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी चावल और अब इसमें डाल दें एग्स। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें से बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है। ये देखिए एग और राइस अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। करीब 1 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इन्हें निकाल कर सर्व कर लूँगी। देखिए मैंने एग फ्राइड राइस को सर्व कर लिया है, तो मैं इसे गार्निश कर लूँगी ये स्प्रिंग अनियन से। तो बनकर तैयार है बिल्कुल सिंपल स्टेप्स के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल एग फ्राइड राइस की रेसिपी, चिकन पकौड़ा की रेसिपी। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले यहाँ मेरे पास है 1/2 kg चिकन जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है इस तरीके से। और साथ ही साथ यहाँ मेरे पास स्पाइसेस में है 1/2 छोटा चम्मच, यहाँ मेरे पास है अदरक लहसुन और जीरा का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच मेरे पास है लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच मेरे पास है गर्म मसाला का पाउडर, 1 छोटा चम्मच मेरे पास है बेसन, 2 बड़े चम्मच मेरे पास है यहाँ पे चावल का आटा, 1 छोटा चम्मच यहाँ मेरे पास है हरा धनिया चॉप किया हुआ, 1 छोटा चम्मच मेरे पास है यहाँ पे कड़ी पत्ता चॉप किया हुआ और साथ ही साथ यहाँ मेरे पास है 1 नींबू का स्लाइस और फ्राइंग के लिए रिफाइंड ऑयल। तो आइए चलते हैं रेसिपी के तरफ। सबसे पहले हम चिकन ले लेंगे, उस पे हम नींबू को स्क्वीज कर देंगे। अब इसमें डाल दें अदरक लहसुन और जीरा का पेस्ट, आप चाहें तो जीरा का पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें स्पाइसेस के साथ, अच्छे से कोट कर लें चिकन को स्पाइसेस के साथ। ये देखिए चिकन अच्छे से कोट हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये हरा धनिया और अब मैं इसमें डाल दूंगी कड़ी पत्ता। इसे एक बार फिर से मिक्स कर लें। ये देखिए ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। कड़ी पत्ता डालने से इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, तो आप कड़ी पत्ता को स्किप ना करें। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये बेसन और चावल का आटा, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहें तो यहाँ पे 1 छोटा चम्मच पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच पानी और इसे एक बार फिर से मिक्स कर लें। ये देखिए मैंने चिकन को अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लिया है। ध्यान रहे कि यहाँ हम सिर्फ 1 छोटा चम्मच ही पानी का यूज़ करेंगे। अब हम इसे रख देंगे करीब 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। करीब 1 घंटे हो चुके हैं और हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ पे ऑयल को हाई फ्लेम पे रख दिया है गर्म होने के लिए। करीब हम 3 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पे गर्म करेंगे, उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम एक एक पीस को उठा के इस तरीके से डाल देंगे फ्राई होने के लिए। एक एक पीस को अलग कर लें। करीब 2 मिनट हो चुके हैं इसे इस तरफ से फ्राई होते हुए, तो अब हम पलट लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत अच्छा आया है। फ्लेम को अब मीडियम रखें।
तभी चिकन अच्छे से पक जाएगा अंदर तक। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। लगातार चलाते हुए करीब 6 मिनट हो चुके हैं और पकौड़े बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं और इनका कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। सारे पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, मैंने इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व कर दिया है। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कैसा बना है। ये देखिए, ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी। तो अगर आपको मेरी ये चिकन पकौड़े की रेसिपी अच्छी लगी है, नीचे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।